एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, जो भी आपने टिक लगाया हुआ था ऑन किया हुआ था, सारे दोस्तों इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, मेरे जो फाइल है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जो भी तरीका आपको बताने वाला हूँ, जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ, 100% बढ़के ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपका डाउनलोड हो जाएगा तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि भैया हो गया डाउनलोड, और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भाई टेक्निकल वॉइस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। और जो भी आपको मन में डाउट है, जो भी आपको पूछना चाहोगे तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर आप कंप्यूटर में ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किस तरह से आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को डाउनलोड करोगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने एप्लीकेशन है सारे आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन करो तो फ्रेंड मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया है और मैं जाता हूँ सीधे गूगल क्रोम पर। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लिया हूँ। दोस्तों आपको गूगल में सर्च करना है ऑफिस कस्टमाइज टूल 2021, ठीक है। सबसे पहले आपको इस तरह से शुरू में जो वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए हमारी जो वेबसाइट है ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से ओपन होगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग करना है, ठीक है। तो जो सेटिंग आपको बताने वाला हूँ वही सेटिंग इसमें आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो आपका विंडोज कौन सा है, 64 बीट है, 32 बीट है, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पर आपको चेक कर लेना कि आपका कौन सा विंडोज है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका विंडोज कौन सा है, 32 बीट है या 64 बीट है, तो इसके लिए फ्रेंड आपको चले जाना है चेक करने के लिए। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सिस्टम इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी। सिस्टम टाइप पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो है 64 बीट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपका सिस्टम कौन सा है, 32 बीट है या 64 बीट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाएंगे तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि आपका विंडोज कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में आना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको फ्रेंड देखने को मिलेगा ऑफिस सुइट्स का ऑप्शन, ठीक है। तो ऑफिस सुइट्स में आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस वाले लाइसेंस को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करना है, बस सबसे नीचे की तरफ आ जाएंगे ऐप्स में। तो ऐप्स में आप किस किस ऐप को डाउनलोड करना चाहोगे तो यहाँ पर आप उससे सिलेक्ट करना है। तो मान चलिए मुझे चाहिए पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल, बाकी के सेटिंग में यहाँ पर ऑफ कर दूंगा। तो बाकी मेरे को 3 एप्लीकेशन चाहिए तो मैंने तीनों पर ऑन किया हुआ है। इसी तरह से आपको भी ऑन कर लेना है जो जो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सी लैंग्वेज में आप हैं, ठीक है। तो इंग्लिश से यूनाइटेड किंगडम, इंग्लिश से यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, कुछ भी सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करना है, बस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आ जाता है इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आ जाता है अपडेट, ठीक है। अपडेट में भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको लाइसेंस एंड एक्टिवेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको KMS को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा KMS, तो इसी को आपको सिलेक्ट करना है। इस वाले को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इस वाले को नहीं सिलेक्ट करना है, इसी को आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आ जाता है, यहाँ पर भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है।
उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और नीचे में आएंगे तो यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपके जो फिनिश का ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद फिनिश पर क्लिक कर देना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कीप करंट सेटिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। कीप करंट सेटिंग पर जैसे आप क्लिक करोगे अब नीचे आपको मिल जाता है ओके का ऑप्शन, बस ओके पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको एक टिक मार्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली टिक मार्क कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको फाइल नाम देखने को मिलेगा, फाइल नाम पे आपको यहाँ पर नाम चेंज नहीं करना है, ठीक है। जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है इसी को आपको सेलेक्ट रहने देना है और एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो एक्सपोर्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गई है। उसके बाद दोस्तों आपको न्यू विंडोज़ को ओपन करना है। न्यू विंडोज़ को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑफिस डेवलपमेंट टूल, ठीक है। ऑफिस डेवलपमेंट टूल आपको सर्च कर लेना है और जो शुरू वाली वेबसाइट आएगी शुरू वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, तो सिंपली आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो हमारी जो फाइल है दोस्तों डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए हमारी जो फाइल है डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ऑफिस से डेवलपमेंट टूल है दोनों और कॉन्फ़िगरेशन दोनों डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है, यहाँ से हम मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ से आपको जाना है थिस पीसी पर। तो थिस पीसी पर जाने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड पर जाएंगे तो देख सकते हैं हमारी जो दोनों फाइल है दोनों फाइल यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से आपको दोनों फाइल को इस तरह से कट कर देना है, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कट करेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड आपको चले जाना है लोकल डिस्क के, जाना है लोकल डिस्क सी पर और यहाँ पर आपको एक फोल्डर माउस पर राइट क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि ऑफिस से 2021 आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऑफिस 2021 यहाँ से आप इस तरह से क्रिएट कर लेना है ऑफिस 2021, ठीक है। ये देखिए हमारा जो फाइल है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है, बस सिंपली आप इस पर क्लिक करना और राइट क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारी जो फाइल है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर इस तरह से दोनों एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, पहले कॉन्फ़िगरेशन और दोनों एप्लीकेशन इस तरह से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको इसमें ऑफिस डेवलपमेंट टूल में राइट क्लिक करना है और रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फाइल है दोनों क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपने जो अभी फोल्डर को क्रिएट किया हुआ था उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑफिस 2021, देख सकते हैं ये है हमारा ऑफिस 2021, ये मैंने फोल्डर को क्रिएट किया है। उसके बाद में बस इस पर ओके कर देना है। ओके पर जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो ये जो चार ऐप फोल्डर यहाँ पर बन जाएगा और सेटअप का भी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और आपको चले जाना फिर से गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से एक नई विंडोज़ को ओपन करना है और नई विंडोज़ को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑफिस डेवलपमेंट टूल 2021, ठीक है। अब जो शुरू वेबसाइट आएगी शुरू वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे चौथे नंबर पर आपको क्लिक करना है इंस्टॉल ऑफिस LTSC 2021, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो कोड आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों ये कोड हमको आगे काम पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ से हम मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पर आपको सर्च करना है CMD, ठीक है। CMD सर्च करोगे तो ये देखिए हमारा जो कमांड है
कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है, उसके बाद आपको माउस में राइट क्लिक करना, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्लिक करना। अगर आप दोस्तों इसे डायरेक्ट ओपन करोगे तो यहां से आपका जो एमएस वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल है डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपको माउस में राइट क्लिक करना है और रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे एस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब बस आपको कीबोर्ड पर सीडी टाइप करना है और स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों अभी हमने जो फोल्डर क्रिएट किया हुआ था तो उस पर आपको जाना है, ठीक है, इस तरह से जाना है फोल्डर पर। और यहाँ पर आपको ये जो एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है, बस माउस में राइट क्लिक करना है और कॉपी एड्रेस पर सिलेक्ट कर लेना है। कॉपी एड्रेस पर जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो बस आपको जाना है सीएमडी पर और कंट्रोल वी से आपको पेस्ट कर देना है कीबोर्ड पर। जैसे आप पेस्ट करोगे, इंटरप्रेट करोगे, इस तरह से आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा बस। अब दोस्तों आपको जाना है सीधे गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर जाने के बाद में अभी जो हमने कोड यहाँ पर निकाला हुआ था, ये कोड को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है, इस तरह से आप कॉपी कर सकते हो तो, और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। बस कॉपी हो गया है, उसके बाद आपको CMD में जाना है और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। उसके बाद इंटरप्रेस करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप इंटरप्रेस करोगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। बस अब आपका जो एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, जो भी आपने टिक लगाया हुआ था, ऑन किया हुआ था, सारे दोस्तों इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं आप मेरे जो फाइल है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपका डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क स्पीड में, ठीक है। अगर नेटवर्क स्पीड एंड डाटा अच्छा चल रहा है आपका तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डाउनलोड होने में, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा तो आप से इसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारी जो फाइल है डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर हम जाएंगे तो दोस्तों मेरी जो एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एमएस वर्ड है डाउनलोड हो चुका है और मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके इस तरह से ओपन होता है, ठीक है। स्टार्ट बटन पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड है, पावर पॉइंट एक्सेल है डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद है एक्सेल पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे जो एक्सेल है ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं आपको एमएस वर्ड को भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। एमएस वर्ड भी ओपन हो चुका है, ब्लैक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे और देखिए हमारा जो तो एमएस एक्सेल भी हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों ये थी ट्रिक जो 100% वर्किंग ट्रिक है। इस तरह से दोस्तों आपकी जो एमएस वर्ड है डाउनलोड हो जाता है, एक्सेल डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। वीडियो जरा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों कमेंट में जरूर बता दीजिएगा भैया डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, जेन्युइन तरीके से, ठीक है। कोई भी क्रैक वर्जन नहीं यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं करते हो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है।